Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर, मैं हूं रजत देवगन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा रखते हैं आपके सामने। देखिए, बाजार पे तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसी गिरावट में अक्सर कुछ ऐसे स्टॉक्स मिस हो जाते हैं जो बाजार को संभाले हुए हैं, जहां पर लगातार नए लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और कई बार निवेशक उन स्टॉक्स में फंस जाते हैं जहां पर रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी पे के मुकाबले देखने को मिल रही है। तो कुछ ऐसे डेटा आपके सामने रखते हैं, वो स्टॉक्स जो लगातार नए लेवल्स छूते चले जा रहे हैं और जिन्होंने निफ्टी को अभी संभाला हुआ है, उन स्टॉक्स का डेटा आपके सामने आएगा, और साथ ही जो निफ्टी पे पिछड़ रहे हैं उन स्टॉक का भी। अब सबसे पहले आपको ये बताएं कि 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर या फिर ऑल टाइम हाई लेवल जो निफ्टी ने अभी छुआ था, आप देख रहे हैं बिस्तर पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की, डाउनलोड कीजिए 5paisa ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5paisa ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक, वो था 18,604 का, लेकिन अब जो लेवल है वो है 16,953, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल से निफ्टी पे जो गैप है वो है 10% के आसपास का। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी पे नए लेवल्स छूते चले जा रहे हैं, उसमें पहले पायदान पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल फिलहाल में आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला, अपने उच्चतम स्तर को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छुआ, और उच्चतम स्तर 52 हफ्ते का नया लेवल वो है 2,802 रिलायंस का, और यानी अभी जो रिलायंस कोट कर रहा है वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल से लगभग 4% के गैप पे है, यानी कि नजदीक है अपने ऑल टाइम हाई लेवल से। और आप देखेंगे कि इस महीने भी पॉजिटिव रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्री ने दिया है, 2% इस महीने पॉजिटिव रिटर्न, निचले स्तरों से तो बहुत स्ट्रांग खरीदारी थी। अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स हैं, वहां पर तो ताबड़तोड़ खरीदारी हो ही रही है, उसमें एक कंपनी है अदानी पोर्ट्स जो निफ्टी का हिस्सा है, और ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से मात्र 5% नीचे है। एक महीने का रिटर्न है 11%, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर गया है ये मार्केट्स को। सन फार्मा अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 5% नीचे है, लेकिन इस महीने ये नेगेटिव है। भारती एयरटेल अपने 52 हफ्ते के ऊंचाई से लगभग 6.5% नीचे है, इस महीने 2% के आसपास गिरावट इस स्टॉक में पिछले महीने के कंपैरेटिव देखने को मिली है। लेकिन ये स्टॉक देखिए आप, NTPC, इसने हाल फिलहाल में जो 52 हफ्ते की ऊंचाई छुई है वो है 166 रुपये की, और अपने उच्चतम 52 हफ्ते की ऊंचाई से लगभग 6.5% नीचे है, लेकिन एक महीने का जो रिटर्न है NTPC का वो है 15.5%। जबरदस्त खरीदारी इसने दिखाई है एक महीने में, और बाजार को बिल्कुल रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर गया है। ITC चौंकाने वाले आंकड़े इसने पेश कर दिए, और 2% तो इस महीने चढ़ा है, लेकिन आप पिछले कुछ महीनों का डेटा देखोगे, जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब से ITC में हमने देखा कि पोजीशंस तगड़ी खड़ी होनी शुरू हो गई। अभी फिलहाल अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से थोड़ा रिट्रेस कर चुका है, 7% नीचे है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, ये है रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। इस समय बाजार पर जो पकड़ मजबूत कर रहा है 255 पे है, और 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है 273। तो ITC ने किया है कमाल। UPL एक और स्टॉक जो अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के करीब है, पावर ग्रिड और M&M ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के करीब है, और तीनों ही स्टॉक्स जो हैं UPL, पावर ग्रिड और M&M इस महीने पॉजिटिव हैं। M&M ने तो 12% का रिटर्न जनरेट किया है। अब वो डेटा देखना भी जरूरी है जहां पर वो स्टॉक्स जो 52 हफ्ते की ऊंचाई को बहुत पीछे छोड़ा है, उनकी सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन हमने टॉप स्टॉक्स निकाले हैं जो अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से बहुत नीचे कर रहे हैं कामकाज। उसमें पहले नंबर पर पाएंगे आप टेक महिंद्रा, 52 हफ्ते की ऊंचाई थी 1,838 की, और अभी कर रहा है 1,274 पे कामकाज, यानी कि गैप जो है वो 44% का हो गया, और 15% स्टॉक टूटा है एक महीने में। इसके अलावा HDFC लाइफ और विप्रो जैसे स्टॉक्स अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से 39% से 43% अभी जो कोट आ रहा है उसके हिसाब से नीचे हैं, और विप्रो मेजरली यहां पर 10% का क्रैक पड़ा है एक महीने में। HDFC, BPCL 36% का गैप है 52 हफ्ते की ऊंचाई से अभी देखेंगे तो, और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक यहां पर रिटर्न्स देखेंगे तो HDFC में 7.5% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, और सबको पता है HDFC की स्टोरी, HDFC बैंक का हिस्सा बनने जा रही है, डील में अभी समय लगेगा, लेकिन हाँ मैनेजमेंट ने घोषणा कर दी है। BPCL हालांकि 3% के आसपास जरूर उछ रहा है इस महीने, लेकिन अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से बहुत नीचे है 36% के आसपास। डॉक्टर रेड्डीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते की ऊंचाई देखें और अभी का प्राइस देखें तो 35-36% का गैप दिखाई देगा आपको, और हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक 30% से 35% का गैप 52 हफ्ते की ऊंचाई से अभी का लेवल यहां पर दिखा रहे हैं। और ये तमाम स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी चाल जो है वो हमने इस महीने नहीं आती देखी है। तो ये डेटा आपको ये बता रहे हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार नए लेवल्स छूने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी 52 हफ्ते की ऊंचाइयों के करीब हैं। ये सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स का डेटा हमने आपके सामने रखा।
जिसमें अगर टॉप में देखेंगे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखेगा, इसके अलावा अदानी पोर्ट्स दिखेगा, सन फार्मा, भारती एयरटेल, NTPC, ITC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार नए लेवल्स छूने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा गैप क्रिएट कर रहा है 52 हफ्ते की ऊंचाई से बहुत नीचे है तो उसमें खरीदारी नहीं आ सकती। डेफिनेटली आ सकती है, अगर वैल्यू बाइंग देखने को मिले तो हो सकता है कि काफी ऐसे बीटन डाउन स्टॉक्स हैं निफ्टी पे जहां पर एकदम से कैचअप प्ले हो, इंस्टीट्यूशंस को बहुत अच्छे लग जाए और निश्चित तौर से आ जाए खरीदारी। लेकिन ये रिपोर्ट आपको सिर्फ ये बता रही है कि रिलेटिवली इस समय कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी पे नए हाई लेवल्स छूते चले जा रहे हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते की ऊंचाई से सरकते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गैप क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ यही कोशिश है बिस्तक की आपको बताने की। लेकिन किसी भी तरीके से की निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। उम्मीद करते हैं रिसर्च आपके काम आएगी। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।